वेलकम टू मनीष गुरु। आज 20 जून स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष संकल्प को अपनाया गया था? अपनाया गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने किस राज्य के उस प्रमुख कार्यक्रम नड्डू नेड्रे के समान एक स्कूल आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस दिन को जून 10 नेशनल इंडिपेंडेंस डे के रूप में स्थापित करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है 19 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को एक लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो यह RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर की मान्यता दी गई है? तो यह है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्प्रिंट लेजेंड मिल्खा सिंह का जून 2021 में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो किया गया था 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में भारत पर्यावरण के क्षेत्र में दो देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किए हैं भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कक्षा 12वीं के छात्रों को प्रायोजित करने वाली सभी संबंधित स्कूलों को परिणाम की गणना के लिए एक IT प्रणाली विकसित कर रहा है? तो यह है CBSE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस शहर में बरोड़ा और 80 नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है? तो यह है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में BCCI द्वारा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए औपचारिक रूप से किसे मंजूरी दी गई है? तो दी गई है अंकित चहाड़ और यह श्री संध्यानिक दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वित्त सुधारों में सहायता के लिए बांग्लादेश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो दी है एशियाई विकास बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा क्रांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 18 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिस्टल में महिला क्रिकेट टेस्ट में अपने पहले टेस्ट में 2 अर्धशतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की और समस्त रूप से चौथी महिला कौन बनी? तो बनी है सैफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में किसने एक विशेष मोबाइल ऐप खेड़ो पंजाब लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गराड़ा गुरमीत सिंह सोड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिज्म प्राइड डे हर साल कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 18 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर जून 2021 में किस शहर के यूथ हॉस्टल में पहली बार 10 मीटर की शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया? तो यह है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में किस शहर में दक्षिण मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र SCZCC में झंडा सत्याग्रह नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था? किया गया था नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में पूमा ने भारत में पूमा मोटर स्पोर्ट्स के चेहरे के रूप में हस्ताक्षर करके किसके साथ अपनी 10 साल लंबी साझेदारी को आगे बढ़ाया? तो यह है युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने यात्रियों के लिए जुलाई 2021 से वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा? तो यह है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में किसने हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ली? तो यह है करीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने किसे 10/2021 SDG पायनियर्स में से एक के रूप में मान्यता दी है? तो यह है सुमंत सिन्हा।